जी, मेरा नाम मिथुन पंडित है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च करके मैं यहाँ पे आया हूँ। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कैलाश है, मणिमहेश कैलाश जिसे बोलते हैं, चांबा कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ पे मैं अभी चढ़ाई कर रहा हूँ, फोग के कारण कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है। ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई है जिसे समझना देखना बहुत मुश्किल है, और मैं इसको ऊपर चढ़ रहा हूँ जहाँ पर आज तक किसी ने चढ़ाई नहीं कर सका है। मैं आधे से नीचे के लेयर तक तो आ चुका हूँ, जहाँ तक बोलते हैं कि यहाँ ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं स्पॉट टाइप में जो नज़र आ रहा है, ये यहाँ के बाद ऊपर आज तक किसी ने नहीं चढ़ा है। तो मैं इसे ऊपर जाने वाला, कि क्या रीज़न होती है जो नहीं चढ़ने की, ऑक्सीजन की कमी होती है कि क्या होता है, तो इस वजह से मैं चढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, मैंने सिर्फ पानी की बोतल ली और खाना भी नहीं खा रखा है। हो सकता है मुझे शाम हो जाए, कल भी हो सकता है। मैं नाइट स्टे करने के लिए किसी भी प्रकार से सुविधा नहीं है। अब देखते हैं बाकी भोलेनाथ की मर्जी, क्या मुझे बुलाता है नहीं बुलाता है। जी ओके जी, आगे का अपडेट मैं देता रहूँगा। यह वही जगह है जिसे लोग कहते हैं कि आज तक किसी ने यहाँ पर चढ़ नहीं पाया। मेरा नाम मिथुन है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि इस पर मैंने आधी चढ़ाई कर रखी है। ये चांबा कैलाश है जिसपे कहते हैं आज तक किसी ने इस पर चढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, और ना किसी ने आज तक यहाँ पर चढ़ा है। पर यह संभव कैसे हो सकता है, जब किसी ने नहीं चढ़ा तो फिर मैं कैसे चढ़ गया। मैं देख लो आप, मैं बस थोड़ी ही दूर रह रहा हूँ जहाँ पे बोलते हैं शिव जी का मणि है ऊपर। आप वहाँ पे ये इस साइड पे ये जो चोटी आपको सामने दिख रही है, यहीं पे शिव जी का मणि है जिसे मणिमहेश कहते हैं। किसी ने यहाँ पे चढ़ तो नहीं पाया, आज तक किसी ने चढ़ा भी नहीं है। और जो इसकी लास्ट बॉर्डर बताते हैं, एक ब्लैक कलर की पट्टी जो दूर से नज़र आती है कि वहाँ से ऊपर कोई भी जाने के बाद पत्थर बन जाता है। हम भी देखते हैं कि क्या वाकई में लोग यहाँ पे पत्थर बनते हैं या नहीं, या भोलेनाथ है या कुछ लोगों ने कहानियाँ बना रखी हैं। अगर होगा तो कुछ ना कुछ मेरे साथ अनहोनी होगी। मैं अपनी मौत को अपने हाथ पे लेके आया हूँ। मर गया तो इससे अच्छी जगह कहीं नहीं है, जिंदा बचा तो भी इससे अच्छी जगह कहीं नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ से ये नीचे एकदम खड़ी चढ़ाई है। ये सामने जो है कमल कुंड है और सामने शिव कुंड है। बहुत बुरी तरीके से ये देख लीजिए खाई है। यहाँ से रास्ता तो दिख भी नहीं रहा, पर मैं जो हूँ इसी भी रास्ते से उतरने वाला हूँ। अगर इसमें से गलती से एक भी चट्टान मिस कर गया तो मेरा यहीं पे कब्र खुद जाएगा। अब देख सकते एक के ऊपर एक बस टिका हुआ है, कोने कोने से अलग अलग कर टिका हुआ। ये बस जो नीचे देख रहे, थोड़ा बस वहाँ पे अगर हम पहुँच जाते हैं तो काफ़ी एरिया फिर हमें समतल सा मिल जाएगा नीचे जाने को, लेकिन मौसम भी ख़राब हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द नीचे जाना पड़ेगा।